Welcome to all in your chemistry classes. Today we are going to start our first chapter, some basic concept of chemistry. अब नाम से लग रहा है some कुछ basic concept. Chemistry के कुछ basic concept हमें करने हैं. ठीक, basic concept जो हम 9th में भी पढ़े हैं, हमने 10th में भी पढ़े हैं, बस उन्हीं को तो पढ़ना है, हमें कुछ थोड़ी करना है, बस थोड़ा सा उसमें नया डालना है. ठीक, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या है पता होना चाहिए. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से डील करती है. ठीक, कंपोजिशन क्या है, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इससे डील करती है. ठीक, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है. Chemistry is a branch of science which deals with the composition, structure and property of matter. Or chemistry is also called the science of atom and molecule. Exactly, atom and molecule की जो science है वही हमारी क्या है, chemistry. हम सिर्फ बात करते हैं atom, molecule, ion, इन्हीं की बातें करते हैं और हमें इस chapter में बात भी इन्हीं की करनी है. Atom, molecule, इनके बारे में बात करनी है. लेकिन इससे पहले हम एटम मॉलिक्यूल पे जाएं, थोड़ा सा नाइन्थ में आते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं. नाइन्थ में हमने मैटर पढ़े थे ना, मैटर. फिर मैटर को हमने डिवाइड कर दिया. आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, इसको कोई भी नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको एक आउटलुक दे रही हूँ ताकि उसे आप रीड आउट कर सकें. मैटर था, मैटर डिवाइड कर दिए गए थे मैटर आपके. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकली. फिजिकली में था सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो मैं इसे क्या करती हूँ, बोर्ड पे बना देती हूँ पूरे चार्ट को, फिर देखते हैं. ठीक है, मैं बोर्ड पे बनाती हूँ इस चार्ट को. तो ये आपका चार्ट है. मैटर को डिवाइड किया हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में. ठीक, और फिजिकल क्लासिफिकेशन किसमें डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. आपको पता है सॉलिड क्या है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर शेप डेफिनेट नहीं होती, जिसमें कंटेनर डालते हैं उसी की शेप ले लेता है. गैस नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड क्या होता है, इसके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत हाई होता है. लिक्विड में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बाइंड करने की कैपेसिटी इससे कम और गैस से ज्यादा होती है, गैस में बिल्कुल नहीं होती. काइनेटिक एनर्जी गैस की ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है. ये आप 9th क्लास में सॉलिड, लिक्विड, गैस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. ठीक, अगर आपको पता है सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो इसमें कन्वर्ट होता है लिक्विड में. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं. लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो इसमें कन्वर्ट होती है गैस में. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं. ऐसे गैस को जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं. और लिक्विड से जब हम सॉलिड बनाते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या होता है, फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं. अब सॉलिड से गैस बनने के प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं. आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में. अब आता है केमिकल क्लासिफिकेशन. इसमें भी हम कंपाउंड को दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर नाम से पता चल रहा है, प्योर का मतलब कोई भी इसके अंदर एडल्टेंस नहीं होगी. ठीक, तो इसके अंदर डिवाइड होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब एलिमेंट कैसा होता है, एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, प्योरली होते हैं, जिन्हें हम फर्दर क्या कहते हैं, किसी भी केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. ये आपके होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड. सिंगल होती है, हम सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक, कंपाउंड क्या होते हैं, दो या तीन मतलब एलिमेंट का या सेम ही एलिमेंट के मिक्सचर से बनते हैं, ये बोलते हैं कंपाउंड. कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, मतलब मिलने के बाद वो एक ही प्रॉपर्टी शो करते हैं. ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं. ऑर्गेनिक मीन्स जो कार्बन से रिलेटेड करेंगे. इनऑर्गेनिक का मतलब कार्बन के अलावा. हम इसे डीपली भी पढ़ेंगे, हमारी पूरी केमिस्ट्री है. मिक्सचर, मिक्सचर आपके होते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब जो मिलाने के बाद यूनिफॉर्मिटी आए, तो होमोजीनियस नहीं आया. हेट्रोजीनियस जैसे कि आप शुगर में वाटर मिलाते हैं, वाटर में शुगर मिलाते हैं, तो आपका मिक्सचर बनता है होमोजीनियस, यूनिफॉर्म होते हैं मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या होते हैं, सैंड को अगर आप मिलाएं किसमें, वाटर में, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा. इसको हम देखिए, अब ये फिजिकल क्लासिफिकेशन आगे चलता ही रहेगा, हम इन चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे. सॉलिड एंड प्योर में पढ़ेंगे, लिक्विड और गैस के लिए हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में. ठीक है, प्योर सब्सटेंस, मेटल वगैरह हम पढ़ेंगे
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्सचर हम 12th में पढ़ेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आएगा और कोलाइड आएंगे ठीक। कंपाउंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम, एलिमेंट में मैटर नॉन मैटर मैटर डीपली पढ़ेंगे, बट हमें यहाँ पे सिर्फ इसका आउटलाइन 9th तक का ही जाना था, इससे ज्यादा डिटेल में हमें जाना ही नहीं है अभी। अभी मैं ये नहीं कह रही कि हमें 11th में नहीं, अभी के लिए नहीं जानना है, अभी ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है जो बेसिक चीजें हैं ठीक। अब मैटर की जो होती है, मैटर की प्रॉपर्टी भी होती है, भाई मैटर है तो उसकी प्रॉपर्टी भी होगी, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और कैसी प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी होगी मैटर की और कैसी प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और आपकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे हम मेजर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं कैसे, जब उसका कंपोजिशन चेंज ना हो, कंपाउंड जो भी कंपाउंड हो उसका कंपोजिशन सेम हो बिना चेंज हुए, जो मेजर करते हैं प्रॉपर्टी वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें कौन कौन सी आती है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, सब चीजें इसी में आती है एक्सेट्रा ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी में जब कंपोजिशन चेंज करने के बाद जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद जो हम मेजर करेंगे वो क्या होगा, एसिडिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी, पॉलीमराइजेशन, सब हम पढ़ेंगे। अब पूछोगे पॉलीमराइजेशन क्या, एसिडिटी, सब हमने डिटेल में पढ़ना है बच्चा अभी ठीक। और न्यूट्रलाइजेशन, तो ये सब कंबक्शन, ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर मैं कहीं लिखती हूँ, जैसे लेंथ लिख रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ 1 मीटर, एक नंबर के बाद यहाँ पे क्या, ये नंबर है और ये क्या आ रही है, यूनिट। तो आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर में भी आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट चैप्टर आपका डायमेंशन वाला है, आप यूनिट्स पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में भी हम कुछ अपने यूनिट्स बता देते हैं जो हमारे केमिस्ट्री में जनरली यूज होते हैं तो ठीक है। अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो लेक्चर है बच्चा, ये बेसिक लेक्चर है, जनरल लेक्चर है ठीक है, इसमें हम सब जनरल बातें करेंगे, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उससे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपनी कॉपी बनाइएगा, उसे 1 to 30 एलिमेंट लिख लीजिएगा, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल एंड बैलेंसी आप एक टेबल पे लिख लीजिएगा। और डे बाय डे भी अगर आप हर डे भी 5 याद करें, जैसे पहले आपने हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक याद कर लिए, ये कहते हैं आपने वहां तक याद कर लिए, क्या कहते हैं, बोरोन तक याद कर लिए, फिर उसके बाद आपने कार्बन टू नियॉन तक याद कर लिए, इस तरह से आप लाइन से चलते रहे, 5-5 भी याद करते रहे, आपको काम आएगा ठीक। क्योंकि इसके बाद आपको मॉलिकुलर वेट याद होनी चाहिए, हमारा मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली इस चैप्टर में जो मेन है वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो वहां तक पहुंचते हैं, पहले थोड़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना बेटा, चढ़ते हैं सीढ़ी ठीक। अब हमें क्या करना है ठीक, अब हम यूनिट की बात करते हैं। अगर मैं लेंथ की बात करूँ, बच्चा ने मुझे बताओ लेंथ की बात करूँ तो लेंथ की क्या यूनिट होती है, सबको पता है ऐसा यूनिट बुक से आप रीड आउट कर सकते हैं, मीटर होती है और सेंटीमीटर में भी हम यूज करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो क्या होती है एरिया की यूनिट, बोलो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है एमपीएस ऐसा यूनिट में क्या है, ऐसा यूनिट में हमारी क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर है। लेकिन हमें दूसरी भी टर्म पता है, मिलीमीटर वगैरह, आपको सब पता होना चाहिए। और आज मैंने एक वो भेज दिया पीडीएफ जिसमें लिखा था इतने मीटर इक्वल टू इतना, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। एरिया लेंथ, अब हम मास की बात करते हैं, मास कितना होता है हमारा, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, एक्सेट्रा। अच्छा एक वर्ड आता है वेट, इसकी यूनिट भी सेम होती है बट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, क्या डिफरेंस है मास और वेट के बीच में। देखो केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करके हम मास वेट एक ही लेंगे, क्योंकि जनरल आपको पता होना चाहिए मास जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी का एक्चुअल वेट होता है, और मतलब एक्चुअली जो उसमें अमाउंट होता है उसका सब्सटेंस होता है। लेकिन जो वेट होता है उसके साथ क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स भी अटैच होती है, जो भी आपका जो नंबर होता है मास का उसके साथ क्या अटैच होती है, ग्रेविटेशन फोर्स अटैच होती है, क्या अटैच होती है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये प्योरली आपका मास होता है जो भी कंपाउंड का, मतलब जो भी मास नंबर होता है, लेकिन उसके साथ अगर ग्रेविटेशन फोर्स अटैच होगी तो उसे वेट होगा। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट वेरी करेगा, कैसे, जैसे हमारा वेट यहाँ पे कुछ और है, मून पे कुछ और होगा, तो इस तरह के वेट होगा। बाकी आप इसकी डिटेल फिजिक्स में पढ़ते हैं ठीक है। लेंथ हो गई, एरिया हो गई, मास हो गया, वेट हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, यहाँ से हमारा इशू होती है वॉल्यूम।
ठीक, वॉल्यूम को हम जनरली लिखते हैं लीटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेके जाते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर, पर आपको पता ही है इसकी एसआई यूनिट नहीं होती, ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है, पता भी होगा। अब क्या होती है, देखो वॉल्यूम जो होता है हमारा कैसे यूज करते हैं उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, क्या होती है मीटर क्यूब। अब लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, इसे देखते हैं। ठीक, अब आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पता है आप सबको, ये तो बेसिक क्लास में बताओ 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, मीटर क्यूब कर दूं, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, यानी 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब इसे सीसी भी बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और इसे एमएल भी बोलते हैं। समझ में आई बात आपके, सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं एमएल, और केमिस्ट्री में सीसी बहुत यूज करेंगे, ज्यादातर लिखा हुआ सीसी है सेंटीमीटर क्यूब, जनरली यही यूज होता है। तो याद रखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 6 एमएल सेंटीमीटर क्यूब और सीसी, आपको पता चल गया, इतना पता चल गया, चल गया। अब आपको पता होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 एमएल, ये भी पता है, तो यानी 1000 ml को क्या लिख सकते हैं 1000 ml, और इसे क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब और सीसी, यानी 1 लीटर में 1000 cm³ और सीसी होते हैं। अब ये लीटर क्या है, ठीक, अब आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, पता है नहीं पता, पता है ना, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर। इतनी बात समझ में आई, 1 मीटर में क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, चलो आपने नोट कर लिया होगा। और डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब को ही बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं लीटर, कैसे कैसे, मैं एक बात में यकीन कर लो, चलो सेट कर लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब को एमएल बोलते हैं, इन दोनों को ले लो, इसको छोड़ दो, 10 की पावर 3 इक्वल टू 6, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं एमएल बोलते हैं, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000, ये क्या हो गया, इसका मतलब 1000 ही हो गया, 1000 ml, और 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर, 1000 ml के, और 1000 ml किसके बराबर होता है 1 लीटर के, ये 1 लीटर हो गया। तो आप याद रखिए डेसीमीटर क्यूब को बोलते हैं हम, डेसीमीटर क्यूब को बोलते हैं लीटर, और सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं हम ml, याद रहिए, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, यानी इसे भी और मैं मॉडिफाई कर दूं, इसे आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं और मॉडिफाई कर दूं, देखो आपको क्या याद करना है, आपको इतना सारा याद नहीं करना, इतनी बार लिखने का मेन आपको याद होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, जो मैं आप लिख रही हूँ 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब और लीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ठीक, इतना एक लाइन, ये 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, बस बाकी तो आपको पता ही, तो ये आपको याद होना चाहिए। हमारी केमिस्ट्री में वॉल्यूम का बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमारे जो भी सॉल्यूशन बनेंगे लिक्विड में बनेंगे वो सब ही ज्यादातर ml, डेसीमीटर, मीटर क्यूब में बनते हैं, तो ये आपको पता। एक और अच्छी सी चीज आती है, वो आती है प्रेशर, क्या आती है प्रेशर, हाँ प्रेशर मत लेना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत इजी है, 11th की केमिस्ट्री तो सच में बहुत इजी है, 12th की केमिस्ट्री में फिर भी 11th की केमिस्ट्री बहुत इजी है, अगर आप बेसिक चीजों को, बेसिक फंडामेंटल को धीरे धीरे समझ के चलेंगे। और प्लीज मैं, आप जब भी अपने ये वीडियो देखें एनसीईआरटी ओपन करके रखें, एक बार सुन लीजिए, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर कोई साइड बुक में, ये नहीं माना कभी आप नहीं पढ़िए, पढ़िए, आपको जो पढ़ना है,
पर अपने बेसिक कंसेप्ट आप कहां से करेंगे, एनसीईआरटी से। पहले आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, ठीक, पहले आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, उसमें देखा होगा ऐसा यूनिट है वो बेटा आप कर सकते हैं। फिजिक्स में मुझे नहीं बताएंगे तो ऐसा यूनिट आप करते हैं, आपको पता है लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है, ये आपको पता है। अब मैं मान चुका हूँ, अब हम बात करते हैं, हम उन यूनिट की बात कर रहे हैं जो ज्यादा हमें, अगर मैं एमटीएस यूनिट ऐसा यूनिट की बात करूँ तो आप सबने पढ़ी होगी पास, सबने पढ़ी है पास तक। फोर्स प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही पढ़ा आपने, मैंने भी यही पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। फोर्स की क्या हो गई न्यूटन, एरिया की क्या हो गई मीटर स्क्वायर, जैसे बोलते हैं न्यूटन सॉरी मीटर स्क्वायर, पास्कल की यही यूनिट होती है, इसी को क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी और भी यूनिट होती है, हम जनरल यूनिट की बात करते हैं जो हमारे केमिस्ट्री में यूज होगी, एरिया, ये फिजिक्स की यूनिट है, फिजिक्स में यूज होती है, हमें क्या बात करनी है केमिस्ट्री की बात करनी है, एटीएम नॉट ऑटो टेलीमेटर सॉरी ऑटोमेटिक टेलर मशीन नॉट एटीएम, ऐसा नहीं निकालना है, ये एटीएम है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो याद रखिए 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 इनटू 10 की पावर 5 पास्कल को पीएस देखते हैं, इसे कल के बुक में आपको ऐसे भी लिखा होगा तो बोल रहा था 1.325 पास्कल, वो 10 की पावर 5 कैसे है हम साइंटिफिक नोटेशन में बताएंगे, पॉइंट आगे लिखे, ऐसे भी ले सकते हैं आप, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करो, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक। इसकी एक यूनिट होती है बार, क्या होती है बार, तो 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, पता कभी कभी कैलकुलेशन करने के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती तो ये छोटी सी वैल्यू होती है, हम 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर कैलकुलेशन के लिए, ए 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। अब देखो दोनों वैल्यू लगभग लगभग सेम है, इसीलिए हम जनरली एटीएम और बार को कभी कभी एक जैसा रख लेते हैं फॉर कैलकुलेशन, नहीं तो होता है 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार में भी कन्वर्ट हो गया, एटीएम में भी कन्वर्ट हो गया, पास्कल में भी कन्वर्ट हो गया, इतनी बात नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखिए 1 एटीएम इक्वल टू, इसकी और यूनिट भी होती है 760 mmHg, ये भी इसकी यूनिट होती है, मर्करी 2 मिलीमीटर में इसका मेजर करते हैं, ये भी प्रेशर होता है। एक और यूनिट होती है 1 एटीएम इक्वल टू 760 cm, आपको डिटेल में बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बार हो गई है, ठीक। तो ये क्या है प्रेशर की यूनिट्स, आपको क्या याद करना है 1 एटीएम, और याद रखिए यूनिट हमेशा आपको देखकर क्वेश्चन करनी होगी, अगर यूनिट आपने दे कुछ और रखी और आपने यूनिट कुछ और लगा दी तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए ये बेसिक लेक्चर है, आपको यूनिट का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है प्रॉपर वे में ताकि आपसे गलती ना हो। तो मैं इसे समराइज कर दूँ, एक साथ समराइज करने में मैं इसे एक साथ लिख देती हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, वो है पास्कल में हो गई, अगर किलो पास्कल में करना होगा तो क्या करेंगे, किलो पास्कल में 10 की पावर 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.01325, क्या आ गया आपका ये किलो पास्कल, एक तो ये यूनिट बन गई, क्या आ गया आपका किलो पास्कल, ठीक। अब ये इक्वल टू किसके हुई 760 mmHg, 760 mmHg और कहते 760 टोर और 1.10325 बार, सब एक दूसरे की क्या है इक्वल है, तो आपको इतना याद रखना है
ये यूनिट्स हैं इंटर कन्वर्ट, आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए और नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा है 152 सेंटीमीटर एचजी और इसे कहा है एटीएम में प्रेशर निकालना है, तो आपको पता है एटीएम में निकालना है तो आपको पता है 76 सेंटीमीटर एचजी का होता है एक एटीएम, ठीक। तो 152 का कितना होगा, 176 × 152 कर लेंगे कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा किसमें आ जाएगा, एटीएम में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, एटीएम में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और यूनिट दी तो उससे कन्वर्ट कर लेते, पास्कल दी होती तो पास्कल में कन्वर्ट कर लेते। तो ये आपकी एक यूनिट है प्रेशर, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, हमने वॉल्यूम कर लिया, प्रेशर कर लिया, लेकिन वॉल्यूम प्रेशर करने के बाद हम एक केमिस्ट्री की चीज़ को भूल गए, वो है इम्पोर्टेंट टेम्परेचर। इसकी बात करेंगे हम टेम्परेचर, ये जनरल है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, मेरे ये पढ़ाने से पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अरे मैम क्यों पढ़ा रही है, तो मैं आता ही है, सभी को आता होगा, पर फिर भी जब मैं पढ़ा रही होंगी तो दो तीन ऐसे होंगे जिन्हें ये चीजें नहीं आती होंगी। जब मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वो कहेंगे अरे मैम ये कैसे कन्वर्ट करती है, हमें समझ नहीं आया। तो मैंने क्या कहा, हम बेसिक से लेके चलेंगे, हम ए से लेके चलेंगे तब तक हम जेड तक पहुंचेंगे, बेसिक्स को कर रहे हैं, आगे टफ पे भी जाएंगे पहले हम बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक। टेम्परेचर सबको पता है, टेम्परेचर की ऐसी वो क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, कैसे चेंज करते हैं केल्विन को, क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 सबको आता है। अगर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस चेंज करो तो कैसे करोगे, तो k इक्वल टू 25 प्लस 273 इज 298, ये याद रखना ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, बाद में पढ़ाऊंगी मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की। एक तो ये हो गया, एक होती है फॉरेनहाइट, आपको ये भी पता होगा क्या होगी 9/5 डिग्री सेल्सियस माइनस 32, आपने पढ़ा ये फॉर्मूला, आई थिंक कई बच्चों ने तो पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, सॉरी प्लस 9/5 प्लस 32 पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आपने, ठीक। तो फॉरेनहाइट को कैसे निकालते हैं, अगर मान लो दे रखा है आपको 25 को ले, 25 को कन्वर्ट करना है तो 9/5 × 25 प्लस 32 कितना आ गया, 945 प्लस 32 और ये कितना हो गया 77 फॉरेनहाइट, ठीक। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर बोलो तो 25 डिग्री सेल्सियस में होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और अगर बोलो 298 केल्विन और 77 फॉरेनहाइट, ठीक, प्लस 32। अगर इसे इंटर कन्वर्ट करना हो फॉरेनहाइट से तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आप आगे आके कर सकते हैं, ठीक। ये था टेम्परेचर, इतना सब कुछ पढ़ लिया बेसिक यूनिट के बाद में, अब आते हैं अपने काम की चीज पर, दैट इज ये हो गया मोल। किस पर आते हैं, मोल, मोल क्या है, मोल भी जो है वो किसी सब्सटेंस की यूनिट ही है, यूनिट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की यूनिट ही है मोल। अब इस मोल को हम तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे, ठीक। एक हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटी में, एक वेट में और एक हम वॉल्यूम में, ठीक। क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे इसमें कितनी क्वांटिटी है, यानी एवोगैड्रो नंबर, वेट हम इसका फॉर्मूला डालेंगे, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होता है एक मोल में, हम 1/1 इसे कैटेगराइज करेंगे, तो ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ बेसिक्स डिटेल दी थी, ठीक। सेकंड लेक्चर में हम आपका स्टार्ट करेंगे आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक। फिर उसके बाद हम मोल कौन सा है, फिर एवोगैड्रो नंबर से लेंगे, फिर वॉल्यूम, फिर उसके बाद आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फंक्शन, पीपीएम, ठीक, ये लेंगे, देन हम आपके जाके आगे की यूनिट लेंगे। तो आज बेसिक यूनिट थी, बेसिक लेक्चर था आपका, आई थिंक आप इसे आराम से पढ़िए, समझिए, ये मत समझिए अरे तुम्हें आता था हमें करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ऐसा लगता तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज को समझने में कोई बुराई नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट आगे का क्लियर करेगा, ठीक है बेटा, टेक केयर।